बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाँ जी, वेलकम टू करागट शो, पाकिस्तान का नंबर वन एंटरटेनमेंट शो, पाकिस्तान की नंबर वन एंटरटेनमेंट स्क्रीन यानी कि बोल एंटरटेनमेंट पे आप तमाम लोगों को मैं खुशामदीद कहूंगा आज की इस महफिल में जो कि फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। हफ्ते में एक हो पर ग्रेट हो, इसलिए कटाकट हफ्ते में एक दफा आता है। हम दर हकीकत आते ही चाहते हैं कि आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट बन सकें या फिर आपकी मुस्कुराहट का सबब बन सकें, बस इतनी सी कोशिश। और इंसान क्या कर सकता है, इंसान सिर्फ कोशिश करता है, उसमें बस अल्लाह ताला बरकत डालते हैं। अच्छा जी, फाइनली आज की एपिसोड स्टार्ट हो चुकी है और जिन लोगों ने इत्तेफाकन ट्यून इन कर लिया तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कहकहों से भरा हुआ इत्तेफाक रहेगा। बल्कि आप कहेंगे कि यार ये इत्तेफाक रोज़ क्यों नहीं होता। जी, कदर खो देता है रोज़ का आना जाना, इसी वजह से हम लोग ने सोचा है कि बस एक कटाकट करेंगे जिसमें तकरीबन 5 से 6 आप लोगों के दिए गए नंबर्स पे हम लोग कटाकट बनाएंगे। साथ ही साथ एक आउटडोर सेगमेंट भी होगा और इस आउटडोर सेगमेंट में आज हम किसको क्या टास्क देने वाले हैं वो आपको पता चलेगा मेरे ख्याल आखिरी सेगमेंट तक। लेकिन फिलहाल आज का पहला सेगमेंट, आज की पहली कटाकट की कॉल्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं हमारे आज के गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा। We have Momal and Haseeb with us. Hello, hey. Momal. Hello, Haseeb. Assalamu alaikum. Assalam. मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक ठाक, अच्छा एक एक करके बात करेंगे वरना दोनों की टक्कर होती रहेगी और दोनों एक साथ जवाब देंगे। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए कटाकट शो में और कटाकट शो का पार्ट बने। कटाकट शो देखा है ऐसे आप लोगों ने? जी देखा है। हाँ, मतलब थोड़ा देखा, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि कंटिन्यू हो। अच्छा, कॉन्सेप्ट पता है कि कॉन्सेप्ट क्या पता है आपको, क्या लगता है क्या है कॉन्सेप्ट? मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रैंक कॉल्स वगैरह होती हैं और मतलब जो कॉल लेके फिर उसके बाद जो है वो जो कॉलर होता है उसको तंग करना होता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करनी होती है, ये कि वो एंटरटेनमेंट जी गालियां भी पड़ जाती हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो आपने पहला सवाल आपसे मेरा ये है, आप में बर्दाश्त कितनी है? मैं बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। कितनी? बेपनाह, 110%। 110% आप पूरा उतरती हैं? बिल्कुल। गुस्सा बर्दाश्त कर लेती हैं? बिल्कुल। तकलीफ बर्दाश्त कर लेती हैं? वाह यार, ऐसी औरत तो बहुत करोड़ों में से एक औरत होती है ऐसी जो तकलीफ बर्दाश्त करे, गुस्सा बर्दाश्त करे और फिर कुछ कहे। औरत नाम ही सबर का है। आए हाय, औरत नाम ही सबर का है। चलें इनसे मजीद बातें करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ हसीब मौजूद है। हसीब, अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं, आप में भी बर्दाश्त है या नहीं है? जी बिल्कुल बर्दाश्त है मेरे में। आप में है बर्दाश्त, आप करते क्या, अपने बारे में कुछ बताएं थोड़ा। मैं टिकटॉक वगैरह बनाता हूँ और इसके अलावा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वाह यार। तो आप कहीं जॉब कर रहे हैं करंटली? जी। कहाँ, मतलब किस चीज़ की जॉब है आपकी? ये जो ऐप मोबाइल एप्स वगैरह होती हैं वो हमारी कंपनी प्रोडक्ट करती है। और आप उसमें क्या करते हैं? मैं उनकी टेस्टिंग करता हूं, मैं क्यूए मैनेजर। ओके यार, बड़ा ज़बरदस्त टिकटॉकर, पढ़ा लिखा टिकटॉकर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, टिकटॉक पे वीडियोस किस तरह की होती हैं आपकी? मैं हर तरीके की बनाता हूं, जिस तरीके अगर कोई सैड आ गई या कोई कॉमेडी आ गई या कोई एक करना है इस तरीके की, जो ट्रेंड अच्छा लगे उसको फॉलो करते हो, जो ट्रेंड अच्छा लगे। आप किस तरह की टिकटॉक बनाती हैं? मैं टिकटॉक स्लोमो वॉक वगैरह ज्यादातर, लिप सिंक कर ली थोड़ी बहुत, मतलब जैसे। अच्छा, आपको क्या पहुंचना है अपनी लाइफ का? एक एम होता है ना इंसान का, एक ड्रीम होता है कि मेरा ड्रीम ये है। क्या ड्रीम है आपका? मेरा ड्रीम ये है कि मुझे स्टार बनना है। अच्छा, कि मुझे सब लोग पहचान, मतलब बहुत सारे स्टार्स होते हैं, मुझे फेम का एक बुखार होता है ना जैसे, वो मुझे फेम का बुखार है कि मुझे लोग पहचाने हैं। अच्छा, इंशाल्लाह इस शो के बाद आपको पूरा पाकिस्तान पहचानने वाला है। खैर जी, अच्छा कटाकट शो की बहुत सारे लोगों की हमारे पास डिटेल्स मौजूद हैं जिनका कटाकट बनाना है और ये आप ही के दिए गए नंबर्स हैं तो ऑब्वियसली हमें इनका कटाकट बनाना है। और पहला कटाकट जो है जी ये है फहद साहब का। फहद को हमें कॉल करनी है जिसके बारे में हमें नंबर दिया है सवेरा अली ने। सवेरा अली ने नंबर दिया और इन्होंने, मैं हमेशा लोगों को, आप लोगों को दोबारा आज कह रहा हूँ, रीसेंट प्लॉट ज़रूर दें, रीसेंट एक्टिविटी ज़रूर बताएं कि इस बंदे ने नया मोबाइल लिया है, इसने नया प्लॉट लिया है, इसने एडमिशन करवाया बच्चे का, कोई भी रीसेंट एक्टिविटी होगी तो उसके ऊपर हम लोग अच्छा कटाकट बना सकेंगे, उसके दिए गए आपके दिए गए इन्ग्रीडियंट्स के ऊपर ज़रा स्पाइस अप कर सकते हैं हम लोग। खैर जी, आज का पहला कटाकट बनेगा फहद साहब का, क्योंकि इनका मोबाइल जो है वो है ख़राब हो चुका है और इस मोबाइल को दिए हुए कह रही हैं कि तकरीबन कोई महीना हो गया, इन्होंने हमारी टीम से जो कोऑर्डिनेट किया, महीना हो गया मोबाइल ठीक नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, और मोबाइल वाला इनको फ़ोन भी नहीं कर रहा ना इनका फ़ोन उठा रहा है। ठीक है, सही है, अक्सर मोबाइल वाले होते हैं ना, हमारे यार फिर आ गया बल्ली या बाद में उठाएंगे इसका फ़ोन, तो अब हम इसको कॉल कर रहे हैं खुद। ठीक है, ज़रा इनकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं।
हुकूमत पाकिस्तान आपके लिए वैक्सीन की मरहला वार फराहमी शुरू कर दी। हेलो, सलाम अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फहद भाई बात कर रहे हैं जी? बोले। अच्छा फहद भाई, ये आपका वो आईफोन खराब हो गया है क्या? हाँ यार, ये क्या नाम है, आईफोन मेरा खराब हो गया है। ये मैंने बनने के लिए दिया था यार, ये आपको मैंने बनने के लिए था। पहले तुम लोग ने लास्ट टाइम तुमने बोला भाई स्टार्टिंग आईसी का मसला है और जो है क्या नाम है, हम अप्रूवल ले रहे हैं और इसकी बना रहे हैं हम, ठीक है। तुम लोग ने कॉल काट दिया, तो बात तो सुनो, पूरा महीना हो गया है यार मोबाइल दिए हुए यार। पहले तुम लोग ने बोला भाई बैटरी का मसला है, ठीक है, फिर तुम लोग ने बोला चार्जिंग की जो है ना क्या नाम है, रिबन खराब हो गई है। फिर उसके बाद तुम 5 दिन बाद दोबारा कॉल करते हो कि यार सर जी इसका जो है ना क्या नाम है, अपना स्टार्टिंग आईसी का मसला है। फहद भाई मेरी बात, तुम लोग यार एक फहद भाई मेरी बात नहीं, एक बात क्या सुनो यार, लास्ट टाइम भी तुम लोग को मोबाइल दिया, तुम लोग कॉल करी थी, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, पूरी कॉल काट देते हो यार। फहद भाई उसके बाद तुम बोल लो, बात सुनो भाईजान, भाईजान फहद भाई मुझे पता चला है आपका फोन खराब है ना, आपका आईफोन खराब हुआ है, ऐसा ही है ना? हाँ, मेरा तो आईफोन दिया, बन दीजिए, 1 महीना हो गया अभी तक नहीं बना। फहद भाई मेरी बात भी सुन लें, फहद भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आईफोन जो है ना, मेरा मेरे पास भी एक आईफोन है, वो भी खराब हो गया है, तो आपने जिसको दिया हुआ है उसको दे दें मेरा फोन भी। आप कहाँ पे रहते हैं, मैं आपको यार आप पिक करके ले जाओ। असल में मुझे ना बताया था, मुझे ना असल में साइम ने बताया था कि ना, मेरा दोस्त है, उसने बताया था कि आपका भी आईफोन खराब हुआ हुआ है, तो मैंने कहा मेरा भी खराब हुआ हुआ है, उसने कहा यार एक काम कर, फहद को कॉल कर ले, उससे पूछ ले, उसको दे दे फोन, तो मैं तो आपको फोन देने के लिए कॉल की है, आप मेरा फोन भी ले जाओ यार, वो सही करवा दोगे? अबे भाई अल्लाह के बंदे, यहाँ पर मेरी पड़ी हुई है, तेरा फोन भी मैं लेके चले जाऊँ? अजीब बंदा तू यार। यार ले जाओ मेरा भी भाई, मेरा भी ना, मेरा टच काम नहीं कर रहा भाईजान, मेरा टच काम नहीं, मैं ही मिला था ये नंबर, क्या मैं वो करने के लिए कि क्या नाम है, तुम्हारा भी उठा के उसको मैं मोबाइल दे दूं? अजीब बंदे हो तुम यार, यहाँ पर कॉल करते हो यार। फहद भाई आप बस अब मेहरबानी करो, आप ना सवेरा से रابطہ करो, सवेरा ने नंबर दिया था मुझे आपका, उसने कहा था कि आपका कटाकट बनाना है। ज़ैन बात कर रहा हूं मैं, कटाकट शो से। यार वो यार एक नंबर का यार, यहां पर मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, क्या नाम है, वो नंबर देता फिर रहा है यार, अजीब बंदा है। अरे यार ओके फहद भाई, अल्लाह हाफिज़, आपसे बात नहीं कर सकता। अजीब बंदा है यार आप। नहीं भाई इससे बात नहीं कर सकता, कौन है इतना बोले जा रहा है भाई, आप थोड़ा सा मार्जिन भी दिया करो बोलने का, बोले जा रहा है ट्रेन की तरह शुरू हो गया। खैर बैक टू बैक हमें कॉल्स करनी है, मजीद हम कॉल्स करेंगे, साथ साथ आप लोगों से बातें भी करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके किसी जानने वाले का कटाकट बने, अपने ही गिराते हैं समोसों पे चटनियां, अगर आप किसी अपने पे चटनी गिराना चाहते हैं, उसको जरा सा गुस्सा दिलाना चाहते हैं, तो इस दिए गए नंबर पे आप हमें अपना रिसेंट प्लॉट भेज सकते हैं, बता सकते हैं कि ये इसका नाम है, ये इसकी डिटेल है, और हमें सेंड करें इस दिए गए नंबर पे। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @ZenLife, साथ ही साथ @BoldEntertainment फॉलो करें, आप हमें फॉलो करें, हम आपको अपनी स्टोरी पे टैग भी कर देंगे, जाएं इससे बढ़ के क्या। खैर जी साथ साथ बोल कफारा क्या होगा और बोल बीट्स के मजीद आने वाले गानों के लिए अभी से मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत कुछ आने वाला है, बोल के साथ जुड़े रहें। अभी तो बोल रैपर, स्टार रैपर में क्या होने वाला है ये आप देखेंगे, ये कौन सा प्रोग्राम है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, पाकिस्तान के तमाम यूथ को जो टैलेंट, जिनके अंदर टैलेंट है उनको प्लेटफॉर्म हम देने वाले हैं, और वो आप देखेंगे फिर क्या होगा। खैर जी हमारे साथ हसीम मौजूद हैं, हमारे साथ शीरीन मौजूद हैं। अच्छा हसीम मुझे बताओ भाई कि कभी प्रैंक किया किसी के साथ? स्कूल टाइम में कभी किया था। स्कूल टाइम में किया तो मुझे रैपर क्यों लगते हो, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा हेयर, तुम्हारा रैपर शैपर भी हो गया? मेरा यही है, बॉडी लैंग्वेज यही मेरा। अच्छा मतलब तुम्हारे को म्यूजिक से लगाव नहीं है? नहीं, नॉर्मल कोई म्यूजिक से लगाव नहीं है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्पेशली सुनू, सुन लिया तो सुन लिया। कभी चलते फिरते गाड़ी बराबर से गुजर गए? नहीं नहीं, गाड़ी अपनी गाड़ी के अंदर। अपनी गाड़ी? अच्छा मतलब सुनते हो ना म्यूजिक तो। अच्छा अभी बताओ कि तुम्हारा जिंदगी का वो क्या है मकसद, इन्होंने बता दिया इनको स्टार बनना है, तुम्हें क्या बनना है? मैं अपनी पढ़ाई को ही आगे लेके जाऊंगा इस चीज़ को, क्योंकि हमारा जो बेसिकली ये है आईटी का जो फर्म है हमारी पाकिस्तान के अंदर, इसको बहुत ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान के, तो हम इसी चीज़ को आगे लेके मोटिवेट करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जैसे कोरोना कोविड का सिनेरियो चल रहा है, तो सारी चीज़ें इसी चीज़ पर आ जानी चाहिए, तो मेरा मोटिव इसी तरफ है कि मैं आईटी इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ूंगा। वाह यार ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अब जो हम कॉल करने लगे हैं, ये हम लोग एक सोशल एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, हम लोग मुख्तलिफ नंबर पे हमने देखे बहुत सारे रैंडम नंबर लिखे हुए हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं और डायरेक्ट कोई ना कोई एक टॉपिक लेके या कोई बात लेके उसको खींचते हैं, उनकी रीसेंट बात लेके, उनकी रीसेंट हमें क्या पता उनकी रीसेंट बात, तो रैंडम नंबर है ना, रैंडम नंबर हम कोई भी बात बोलते हैं उसको खींचना है, उसको फैलाना है, ठीक है, चाहे उसको गुस्सा है उसको गुस्सा दिलाना है, उसके साथ मजाक करना है, कोई गाना सुनना है, कुछ भी, हमें बस उनका रिएक्शन जानना है कि लोग, कोई भी एक इंसान
जिससे जिसका नाम भी ना पता हो हमें, हम उससे बात करेंगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा, बेसिकली कॉन्सेप्ट हम लोग ये करते हैं कि गुस्सा कितना है, बर्दाश्त कितनी है, एक बात के ऊपर अगला रिएक्ट कैसे करता है, मर्द के लिए क्या रिएक्ट करता है, औरत के लिए क्या रिएक्ट करता है, इस तरह से हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो फिलहाल हम लोग एक अननोन नंबर पर हम लोग डायलिंग करेंगे और कॉल मिला के फिर लकी ड्रॉ निकालते हैं इनका, ठीक है? सही है, आपने बात करनी है, आपने बोला सर आके लकी ड्रॉ में आपका इनाम निकला और इनाम ये कि हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको 1,00,000 रुपये कैश मिलेगा आपके घर पे। सवाल के लिए मुझे भेज देना, ट्रांसफ़र कर देना, नाम पूछना पहले, बात करना। सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी, मैं से बात कर रही हूँ। कहाँ से? बात कर रही हूँ और आपका इनाम निकला है, ये है कि आपसे हम लोग 5 सवाल पूछेंगे और अगर आपने वो 5 सवाल का सही जवाब दिया तो वो आपको इनाम मिलेगा 1,00,000 रुपये, और आपको पता वो नाम कितना, 1,00,000 रुपये का इनाम है आपके। 1,00,000 का इनाम है? जी बिल्कुल। कैसे मिलेगा 1,00,000 का इनाम? आपका 1,00,000 का इनाम निकला है लेकिन उसके लिए आपको 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपने 5 सवाल का जवाब सही दिया तो फिर ये इनाम आपको मिल जाएगा। मैं कैसे यकीन करूँगा? ये मेरे सीनियर यहाँ पे बैठे हुए हैं जैन, वो आपसे बात करेंगे। चले मैं कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, आप बात कीजिए। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत मुबारक हो, आपका लकी ड्रॉ में नाम निकला है। आपका नाम क्या है सर? आपका नंबर निकला है असल में और हमने इसी वजह से आपके इस नंबर पे कॉल किया। आपका नाम क्या है सर, नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है फहद। सर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 30 सेकंड आपके पास होंगे, आपसे मैं 5 सवाल करूँगा और 30 सेकंड के अंदर अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपसे कॉल के एंड पे आपसे एड्रेस ले लिया जाएगा आपका और आपके। हाँ जी, मैं 30 सेकंड में ऐसे कैसे जवाब दे दूँगा, रुक के जाएँ। आप खेलने के लिए रेडी है ना? खेल लूंगा मैं, लेकिन मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? पैसे सर हम आपको भेज देंगे सर, हमारा बंदा भेज देगा, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी या फिर हम आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे। यकीन नहीं हो रहा लेकिन फिर भी पूछे सवाल आप मुझसे। ओके लेकिन सर, आसान पूछिएगा। आसान, बहुत आसान। आप कराची के रिहायशी हैं? जी जी, मैं कराची के रिहायशी। ओके ओके ओके, चले आपसे पहला सवाल मेरा ये है, पावर हाउस से लेके नॉर्थ कराची तक कितने सिग्नल्स हैं? पावर हाउस से लेके नॉर्थ कराची तक कोई भी सिग्नल नहीं है। नहीं है? अभी 5 स्टार पे एक नया बना है, नहीं है। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ओके अगला, मैं आप कराची के हैं तभी मैंने आपसे पूछा एक पहले। एक हो गया। जी, अब अगला सवाल ये है कि अगर गुलशन से कस्बा कॉलोनी तक हम लोग जाएं सफारी कोच में तो रास्ते में कितने स्पीड ब्रेकर्स होंगे? यार कोई अजीब सा सवाल कर रहे हैं आप, गुलशन से सफारी कोच में जाएं, हसन स्क्वायर से कस्बा कॉलोनी तक अगर आप सफारी कोच में जाएं तो कितने सिग्नल आपको, कितने स्पीड ब्रेकर मिलेंगे रास्ते में? स्पीड ब्रेकर यार मुझे क्या पता स्पीड ब्रेकर। ओके सर, ओके नेक्स्ट सवाल सर, नेक्स्ट सवाल कर रहा हूँ। तीसरा सवाल सर ये कि 1 किलो मटर अगर आप खरीदें तो उसमें मटर के कितने दाने होंगे जब छिलका उतारेंगे? मटर में क्या होंगे? मटर के दाने कितने होंगे 1 किलो अगर मटर खरीद लें? यार आप बाकी वहां से बात कर रहे हो या एक ऐसी नहीं सर, हम वहीं से बात कर रहे हैं और ये बहुत सीरियस कॉल चल रही है और आपकी कॉल रिकॉर्ड भी हो रही है तो जल्दी जवाब दें सर प्लीज। रिकॉर्ड तो हो रही है सर, रिकॉर्ड हो रही है, जल्दी वहां से जवाब दें। 1 किलोमीटर तुम खरीद के लिया, तू बता कितने दाने होंगे, बता सकते हो? सर आपसे अगला सवाल पूछूं अगर आपको ये भी नहीं पता? सर अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, अगला सवाल पूछूं सर? यार तो आप सवाल ही इतना उल्टा पूछ रहे हो मुझसे, 1 किलोमीटर खरीद के लाओ उसमें कितने दाने होंगे मटर में? अगर भाई बगैर छीले कैसे बन रहा है, कितने दाने होंगे? सर ये सवाल हम खुद नहीं बनाते, कंप्यूटर देता है हमें, हर कॉलर का अलग सवाल है। सर अगला सवाल पूछूंगा, बनाने के लिए तुमने कॉल करी है, फेक कॉलें होती हैं सारी। सर फेक कॉल नहीं है, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप चेक कर सकते हैं कॉल बैक करके। चले सर आप इतनी बहस कर रहे हैं, अगर 5 में से 3 के जवाब अगर आपने सही दे दिए तो 1,00,000 रुपए आपके। अभी तक आपने 1 जवाब सही दिया है, 2 जवाब। सवाल तो सही करो भाई। सवाल सही कर रहा हूँ सर, अगला सवाल बिल्कुल सही है। सुने अगला सवाल ये है कि 4,000 गज का एक बंगला है, उसमें 30 फिट का एक 30 फिट का स्विमिंग पूल है जो कि 12 फुट गहरा है। सर उसमें कितनी बाल्टी पानी डलेगा? कितने फिट का है? 12 फिट गहरा है, 12 फिट गहरा एक स्विमिंग पूल है, उसमें कितनी बाल्टी पानी भरेगा? 4,000 गज का बंगला है, 4,000 गज का बंगला है, 30 फीट लंबा स्विमिंग पूल है, 12 फुट गहरा है,
बारह फुट का उसमें मैं तेरी बगर तेरे को दिखवाना ही नहीं है पैसे तू मेरे को बातें करे यार अब हंस रहा है तुम कौन हो तुम अपने नाम से बंदे को रुकवा के तू बाहर बुलवा रहे और तू लाख रुपए दे रहा उसे हाँ सब अबे भाई इससे बात नहीं हो सकती भाई अबे इससे बात नहीं हो सकती भाई अबे तू है कौन अबे सांस तो ले रहे मैंने जिंदगी में नहीं देखा था नहीं भाई इससे बात नहीं कर सकते यार ओह ओह यार कौवा यार यार इसी तरह की एक कॉल और करते हैं यार एक और कॉल करते हैं एक मिनट थोड़ा बाल्टी को सीरियस ले लिया बाल्टी ये स्विमिंग पूल में पानी भरने वाला सवाल था ना इससे इसकी हटी सीरियस ले लिया चले खैर है एक सवाल और करेंगे अबे भाई यार बड़ा खतरनाक इतनी गालियां अच्छा नॉन स्टॉप दी है इसने 1,00,000 रुपए का नाम निकला है लकी ड्रॉ में आप जीत सकते हैं 1,00,000 रुपए अगर आप सवालों के जवाब दे दें हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर मुबारक हो आपका नंबर लकी ड्रॉ के अंदर निकला आप जीत सकते हैं 1,00,000 रुपए 1,00,000 जीतने के लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे क्या आप तैयार हैं जी जी मैं तैयार हूँ ठीक है मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ अब आपसे सवाल होंगे सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम जी सर कौन बात कर रहे हैं आपका नाम मैं एसन रऊफ एसन रऊफ एसएन रऊफ साहब आप कराची कराची के शहरी हैं जी जी अच्छा ओके सर सर आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे और 5 सवालों में से अगर आपने सर 3 सवालों के जवाब ठीक दे दिए तो सर आप जीत सकते हैं 1,00,000 रुपए कैश सही है सर तो आप रेडी हैं अच्छा सर जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड आपको मिलेंगे 30 सेकंड आपको मिलेंगे ओके सर पहला सवाल पूछूं आपसे ओके सर मुझे ये बताइए कि खयाबान-ए-इत्तेहाद जो रोड है वहां पे जो दूसरा कट उल्टे हाथ पे जा रहा है उस रोड को क्या कहते हैं एक तो वो करंगी वाली साइड को जाएगा क्रॉसिंग की तरफ जी 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 हाँ दूसरा सर दूसरा रोड नहीं पता जनाब वो तो करंगी वाली साइड जाता है क्रॉसिंग की साइड ओके सर सर दूसरा रोड असल में मेरे घर की तरफ जा रहा है तो सर ये जवाब आपका सही नहीं है ओके सर दूसरा मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर आप एक 12 फीट गहरे स्विमिंग पूल में छलांग लगाएंगे गौर से सुनिएगा सर बहुत टेक्निकल सवाल है गौर से सुनिएगा अगर एक 12 फीट गहरे स्विमिंग पूल में अगर आप छलांग लगाएंगे तो सर क्या होगा मुझे स्विमिंग नहीं आती तो मैं पहले बेहोश होऊंगा फिर जाहिर है मर जाऊंगा नहीं सर शप की आवाज आएगी सर शड़प की आवाज आएगी जी सर तीसरा सवाल आपसे पूछूं तीसरा सवाल है सर शुमाल से अगर केटू के पहाड़ को नापें तो सर ये कितना कितना फिट कितना फिट लंबा होगा ये एरिया अगर केटू के पहाड़ को लगाएं तो शुमाल से केटू का पहाड़ अगर नापें तो कितने फिट लंबाई है ये कोई 5,000 कुछ है 5,028 करीब करीब है सर आप करीब करीब है 5,028 या 88 करीब करीब रह गया सर आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपके घर पे पानी की मोटर है सर जी जी अच्छा अगर पानी की मोटर 24 घंटे चले एक दिन यानी कि 24 घंटे सिर्फ पानी की मोटर चले तो सर आप बताएंगे कि वो कितने यूनिट पिएगी बिजली के कितने यूनिट खींचती है पानी की मोटर अच्छी खासी खींचती है लेकिन ये है कि वो मोटर के ऊपर भी बात होती है कि बड़ी मोटर है या छोटी मोटर है अंदाजन कितने यूनिट सर हमारे पास तो सारी कैलकुलेशन लिखी हुई है कितने यूनिट खींच सकती है अंदाजन यूनिट का तो अंदाजा नहीं है 12-15 यूनिट आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ सर ये भी गलत हो गया आखिरी सवाल एक इंसानी पलक यानी कि आपकी आंख के ऊपर सर जो पलके हैं सर कितने बाल होते हैं आंख के ऊपर ये पलकों के बाल कितने होते हैं टोटल 30 सेकंड पलकों के बाल होंगे अगर ये जवाब देते तो सर 20,000 रुपए मिलेंगे 150 से 200 200 बाल
तकरीबन हाँ। नहीं सर गलत जवाब, ये भी गलत। जी। कोई बात नहीं सर, अब आप के मोबाइल में जब आप सर ये कार्ड लोड करेंगे ना 500 वाला, तो सर 300 रुपए कट जाएंगे। मतलब मैंने सर आपसे सवाल किया ना अभी, तो सर इन सवालों के और इस गेम के चार्जेस थे, तो ये 300 रुपए अब आप जब भी कार्ड लोड करेंगे तो नए कार्ड में से आपके 300 रुपए कट जाएंगे। क्यों कटेंगे सर? मैं आपने खेला ना गेम, अगर आप जीत जाते और गेम में तो लाख रुपए मिलते, लेकिन आपने सवालों के जवाब नहीं दिए तो आप 300 रुपए कटेंगे। मैं कार्ड डलवाता ही नहीं हूँ। कोई बात नहीं सर, आप जब भी डलवाएंगे ना, कभी भी जब भी आपके इस नंबर पे बैलेंस लोड होगा या लोन वोन कुछ भी, तो सर आपके 300 रुपए कट जाएंगे। बस मैंने इन्फॉर्म करना था, मैंने कर दिया। तुम्हारी यार वाह वाह, क्या गुस्से में पॉज लेके बोला इसने भाई, सही बंदा था ये। ओ खैर, मजीद भी कॉल्स करनी है हमें। हमारे साथ मोमल यानी कि शीरिन मोमल मौजूद हैं। शीरिन मोमल गाना भी गाती हो, आप जल्दी से गाना सुना दो, मैं चाहूंगा आप गाना सुना दो, पश्तो सुना दो तो और मजा आएगा। आपने इतना हंसा दिया है कि अभी कोई बात नहीं, बिल्कुल खराब हो गया। चले सुना देती हूँ थोड़ा बहुत। हाँ जी। इस तरह की जादूगरी दीदा मीना ले वनैदा, इस तरह की जादूगरी दीदा मीना ले वनैदा, जानान जानान जाना चिपके उसे सुमर पली दुनिया के दा, जाना 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 जाना। क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त। आप कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले, कुछ भी, एनीथिंग? मजा आया, एंजॉय किया शो में? जी बहुत मजा आया, मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने यहाँ। कैसा एक्सपीरियंस था, रैंडम नंबर पे कॉल सुनी लोगों की, आपने सुना ना गज जाते हैं, ऐसे भी क्या कहा बहुत हो जाता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि आप रैंडम कॉल्स में किस तरीके से क्या हो सकता है आपके साथ। और आपने अभी तक वैसे कॉल नहीं की, मैं चाह रहा था कि कॉल आप भी करते, लेकिन अब टाइम खत्म हो चुका है, सो नेक्स्ट टाइम आपने जरूर आना है दोबारा। जरूर। डन डन, आपको भी दोबारा आना है, दोबारा बैठेंगे इस महफिल में, दोबारा कटाक्कट बनाएंगे सबका। आपको कुछ कहना है जाने से पहले? पश्तो में बोल दें, पश्तो में बोल दें सबको। तो मैं हाँ पश्तो में बोलें सबको। द कटाक्कट शो देर खदे देर खस्ते शो दे और द मुंग सरचे जैन दे कना द जबरदस्त का होस्टिंग कई तासो गुरे द प्रोग्राम गुरे और लाइक कई और शेयर का शेयर का करेंगे। और जब वापस आएंगे तो हमारे पास दो मजीद गेस्ट होंगे, ये दो कौन होंगे और ये दो क्या करने वाले हैं, मजीद कटाकट में क्या क्या होगा आप देखेंगे इस तशहीरी वक्फे के बाद। साथ दीजिएगा। Alright, خودی نوشتاس، welcome back once again, welcome back. گالا کانو سنگ خیر دچوره طبیعت که خوشحال دکنه. اور چی بلی گلوی خیجی خا تے میرے ملو سارے بہن بھائیانو سلام ہوئے. خودی نوشتاس، welcome back once again. Finally, وقت آ چکا ہے ہم اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کریں. We have سہر شیخ and حمزہ شیخ. Okay, جی سہر شیخ اور حمزہ شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. Welcome on کٹاکٹ. Thank you so much. کیسا لگ رہا ہے کٹاکٹ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. کٹاکٹ شو دیکھا؟ बिल्कुल। हाँ, देखा, एंजॉय किया बहुत ज्यादा। जिंदगी में प्रैंक्स किए लोगों के साथ? किए तो बहुत हैं। बहुत। हाँ, किस तरह के प्रैंक किए? बहुत कॉल पे किए हैं, सामने किए हैं, दोस्तों सामने भी किए हैं, कॉल्स पे। क्या क्या किए हैं जरा बताओ लोगों को, समझाओ। कॉल वाले तो छोड़े ना वाले प्रैंक्स, फिर छोड़ दे वो चलते हैं। अच्छा तुम लोग हो कौन? इंसान है वो तो नजर आ रहा है, हाथ पांव दिमाग आंखें सब कुछ है, लेकिन टिकटॉकर्स हो, मॉडल हो, तुम क्या हो पहले अपने बारे में बताओ। मैं हमजा शेख कौन है जरा कैमरे में बताओ, ये तुम्हारा कैमरा है? अपना नाम खुद ले रहा हूँ। हाँ बताओ। हमजा शेख टिकटॉकर हूँ और मॉडलिंग का शौक है, थोड़ी बहुत की है मैंने मॉडलिंग भी, और बाकी बिजनेस मैन हूँ, पापा का बिजनेस है तो वो हैंडल कर रहा हूँ अभी मैं। तो तुम बनना क्या चाहते हो लाइफ में? एक एम होता है ना इंसान का,
क्या पापा बनना चाहते हो? सब बनेंगे ना, सब बनेंगे। मुझे तो यही लगता है तुम एंड में कहते हो पापा बनना चाहते हो। तो सब बनेंगे, वो तो सब बनेंगे ना, लेकिन आप नहीं बने। भाई बना हुआ मैं पापा हूँ, वाकई पापा ही ना, तो सब। लेकिन पापा के साथ मैं बहुत कुछ हूँ ना, और भी बिजनेसमैन। बिजनेसमैन शिपिंग का ही बिजनेस करोगे? शिपिंग का इंशाल्लाह। अच्छा अब आते हैं तुम पे, सहर शेख कौन हो तुम? सहर शेख लेंस अच्छे हैं तुम्हारे, थैंक यू, खूबसूरत लग रही हो। अब बताओ, सबसे पहले तो मैं एक बहुत अच्छे इंसान हूँ, माशाल्लाह, टिकटॉकर हूँ, फैशन मॉडल हूँ, और मेरा बिजनेस सेटअप है दुबई में। किस चीज़ का? डिफरेंट, जो भी किसी को कोई चीज़ ओपन करवानी होती है, लाइक कैफेटेरिया, कैफे, कुछ भी, तो हम लोग करवा के देते हैं। कैसे? अरेबिक जो लोग होते हैं, जो शेख होते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, स्पॉन्सर्स होते हैं, हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं। स्पॉन्सर्स तुम्हारे पास आते हैं? और इसकी साइकिल क्या होती है? पेपर वर्किंग, गवर्नमेंट का सारा काम करवा के हम देते हैं। अच्छा, ओके, तो तुम लोग पेपर वर्क करते हो सारा। तुम्हारी जिंदगी में क्या कोई ड्रीम है, कोई इस तरह की चीज जो तुम चाहती हो कि यार ये हो जाए? एक सक्सेसफुल वुमन बनना है, क्योंकि आपके पास जब सक्सेस होती है आप कुछ भी कर सकते हो। जो बात है, जो बात है, जो बात है। नहीं, नहीं। सही बात है। अच्छा जी, देखो पिछला जो सेगमेंट था बहुत जबरदस्त गया, क्योंकि हमारे साथ मौजूद थी शीरी मोमल। अब ये जो सेगमेंट है ये उससे ज्यादा अच्छा जाना चाहिए। सही है, कर अगर शो में हम लोग कॉल्स करेंगे, कुछ कॉल्स तुम करोगी, कुछ कॉल्स तुम करोगे, कुछ मैं करूंगा, कहीं तुम लोग अगर फंस रहे हो तो मुझे दे देना, कोई मसला नहीं, आगे निकालेंगे, लेकिन कॉल मजेदार होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कॉल कर रहे हैं पिक एंड ड्रॉप सर्विस के, अक्सर लोग जो हैं एड्स लगाते हैं। अभी हमें शहरोज ने नंबर दिया सुलेमान भाई का। सही, अब सुलेमान भाई जो है वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते हैं, ऑफिस से लोगों को पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो बसेस से नहीं जाना चाहते, रक्षाओं से नहीं जाना चाहते, अपनी बाइक पे भी नहीं जाना चाहते, यार आराम से जाएंगे, पिक एंड ड्रॉप सर्विस। तो ये भाई इनसे ज़रा हम लोग पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लेने की कोशिश करते हैं। तुम बात करोगी पहले, उसके बाद तुम दे दोगी कि ये बात करें, हम लोगों को जाना है। तुम हेलो जी बात करें, बस बात करवाना पहले, कुछ भी बात करें, पिक एंड ड्रॉप सर्विस करते हैं हम लोग, नॉर्मल मतलब मालूम आते हैं ना, तो कहना इनसे बात कर ले, इनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस चाहिए, मेरे भाई हैं। मरहला बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सुलेमान है, राइट? जी जी। आप पिक एंड ड्रॉप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं? नहीं अभी नहीं करते। क्यों? मैंने कॉल किया, आपने काम बंद कर दिया? काम बंद कर दिया? पिक एंड ड्रॉप की सर्विस बंद कर दिया आपने? कंपनी वालों ने कॉल किया, बोल दे शिप नहीं उठाओ। क्यों? तो फिर गाड़ी खड़ा कर दिया। क्या कर दिया? पता नहीं कुछ वजह हो गया होगा। क्या हो गया होगा? कुछ वजह हो गया होगा, बोला आप शिप नहीं उठाओ ना, दूसरा गाड़ी लगा दिया। दूसरा गाड़ी लगा दिया? क्यों लगा दिया? पता नहीं, मेरे को खुद पता नहीं है कि क्यों लगा। आप ऑटो चलाते हो अभी? नहीं नहीं चलाते। स्कूटी चलाता हूं। बाइक है आपके पास? नहीं। कुछ भी नहीं है? नहीं। सुजुकी तो होगी आपके पास? हाँ हाँ वो है। है यार, एक काम करो, मुझे पिक कर लो अभी आप, मैं आपको एड्रेस देती हूँ जल्दी से। आप कौन बात कर रहे हो? मैं नूर बात कर रही हूँ। नूर, नाम पे क्या रखा है? पिक एंड ड्रॉप करवानी है, आप मुझे ये बताएं कि अभी आप आ सकते हो? नहीं नहीं। क्यों नहीं? एक लड़की कॉल कर रही है, आप मुझे पिक कर लो, बस ड्रॉप करना है, ज्यादा दूर नहीं जाना मुझे। आप अभी कहाँ हो ये बताओ? घर पे हो? घर कहाँ पे? यार मैं आ जाती हूँ वहाँ, वहाँ से आप ड्रॉप कर देना मुझे। तो अभी तो काम ही नहीं है, तो सुजुकी में क्यों निकाली? सुजुकी भाड़ा होगा तो मैं जाऊंगा। पेट्रोल है ना सुजुकी में? रोड पे देखो ना, रिक्शा टैक्सी वाला कोई नहीं है। नहीं है ना, इसीलिए तो कहे सुजुकी लेके आ जाओ, ड्रॉप कर देगा। इसीलिए तो कहे सुजुकी ही लेके आ जाओ। चलो यार, अच्छा सुनो, रहने दो, पिकेट को आपको हटाओ, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे गाना सुना दो पश्तो में। हंसने वाली क्या बात है इसमें? अभी अगर गाना सुनाओगे ना तो रोज कॉल करूंगी मैं। कोई मिलेगी ऐसी लड़की खुद कॉल करने वाली? हमने तो कभी किया ही नहीं है, तो मिला ही नहीं है जिंदगी में, पहली दफा मिला ही नहीं। अभी मिला है तो तुम गाना नहीं सुनाता मड़ा हमको, तो गाना सुनो। समझ में आ रहा नहीं इसको, आप कौन बात कर रहे हो? लेकिन दो तीन लड़कियां तो मेरे गाड़ी में थी ना। दो तीन लड़कियां थी गाड़ी में? अच्छा मुझे लेने नहीं आ सकते दो तीन लड़कियां? मैं देखो, मुझे गाना सुना दो, मैं रोज कॉल करूंगी। किससे बात करो? किससे?
करवाओ। अच्छा उसी से सुन लेते हैं। ओ मेरा घर वाले मेरे सामने बैठा है, ऊपर घर वाले से बात करवाओ, मैं परमिशन ले लेती हूँ। गाना सुनाने का ही तो कह रही हूँ, घर वाले से ही बात करवा दो, मैं उससे गाना सुन लूंगी। तो फिर कॉल नहीं करो यार, आपके फोन आपके मोबाइल में बटन नहीं है कॉल काटने वाला। मैंने काट दिया, सही है, काट रहे हो कॉल, देखो बहुत गलत कर रहे हो। उस बेचारे की बीवी सामने बैठी हुई थी, वो डरा हुआ था, कह रहा मेरी घरवाली मेरे सामने बैठी है। ओके अब जो हम कॉल कर रहे हैं ये कॉल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर तुम अच्छा प्ले करो इसमें तो, ठीक है। इस बंदे का नाम है एहसन, सही है। इसका हमें जिसने बताया उसका नाम है जहांगीर, जहांगीर इसका दोस्त है। अच्छा कुछ दोस्त होते हैं जो कि अपने दोस्त के दुश्मन भी होते हैं, वो दोस्त नुमा दुश्मन होते हैं, आस्तीन के दोस्त। उसको देख के क्यों बोल रहे हैं? नहीं मैं उसको देख के बताऊँ, उसको बताना चाह रहा हूँ। आस्तीन के दोस्त होते हैं वो बहुत सारे। तो ये जो जहांगीर है इसको पता, अच्छा ये जो एहसन है इसके बारे में हमें इसने बताया कि भाई ये इंसान शादी के लिए तरसता है, तड़पता है, इसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं है और घर वाले भी इस पर ध्यान नहीं देते, तो ये इसने अपना ऐड खुद डाला है। तो हम इसके दोस्त ने हमें बोला कि आप इसको बोलेंगे तुमने वेबसाइट पे ऐड डाला था ना, तो हमने वहाँ से नंबर लिया तुम्हारा और हम कॉल कर रहे हैं। मैं लड़की का बाप हूँ, तुम लड़की हो, तुम्हें जब मैं यूँ बताऊँगा तुमने एंट्री करनी है और तुमने दूसरे बंदे की तारीफें शुरू करनी है, पहले हम इससे बात करेंगे। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। एहसन बात कर रहे हो बेटा? जी जी बात कर रहा हूँ, आप कौन? एहसन मियाँ इम्तियाज बात कर रहा हूँ, कैसे हो बेटा, ठीक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा ये शादी पे आपने अपना ऐड डाला था गालिबन? जी 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 बिल्कुल ऐसे। हाँ तो बेटा आपकी ये मैं प्रोफाइल देख रहा था, मेरी बेटी है पिंकी, तो पिंकी के लिए हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई अच्छा लड़का, तो अपने बारे में आपकी बस देखी तस्वीर वगैरह, तो मैंने कहा आपसे बेटा बात कर ली जाए। जी बहुत शुक्रिया। तो आप बेटा कहाँ रहते हो, क्या करते हो, थोड़ा बताओगे अपने बारे में? अंकल हम बेसिकली हम रहते हैं तो कराची में। अच्छा और ताल्लुक हमारा इस्लामाबाद से है। फैमिली में कितने लोग हैं बेटा, क्या फैमिली में? फैमिली में सर दो भाई हैं और बहन है दो। माशाल्लाह। मैं हूँ। तो सब शादीशुदा हैं या अभी अनमैरिड? जी जी सब शादी, नहीं नहीं शादीशुदा हैं, मैं ही हूँ बस। माशाल्लाह आप अकेले हैं, वेरी गुड वेरी गुड। जी जी। तो और गाड़ी वाड़ी घर वगैरह कुछ अपना? जी अल्हम्दुलिल्लाह घर भी अपना है, गाड़ी भी है और सही अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा कोई आप नशों वगैरह में तो देखो पूछना पड़ता है या दौर ऐसा है कि किसी नशे में, तो मैंने कहा पहले ही पूछ लूँ कोई नशा वगैरह तो नहीं करते कोई, खुदा ना खास्ता बेटा टिकटॉक पे तो नहीं है आप? नहीं नहीं अंकल बिल्कुल नहीं, टिकटॉकर तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं से भी नहीं, ये तो सबसे घटिया नशा यही है आजकल जो ये कर रहे हैं, पाबंदी भी लगा दी खुद ही अपने पाप को, गुलाड़ी मारते हैं लोग, आपको पता है नशे में दूध होता है बंदा तो रोटी भी हरकत ही करता है, तो पाबंदी लग गई। जी 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 तो मैं तो बहुत खुश हूँ, एक सेकंड बेटा होल्ड करना। ये वाली प्रोफाइल देखे ना हुमायूं की? हाँ बेटा क्या कह रही हो? ये हुमायूं की प्रोफाइल देखे ना, इसकी हाइट भी अच्छी लग रही है और क्वालिफिकेशन अच्छा भी अच्छी है, अच्छा लग रहा है बेटा ये, इसको देखे ना इससे बात करते हैं बेटा ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ इसकी हाइट देखे कितनी अच्छी है, क्वालिफिकेशन भी हाँ, अच्छी है इसकी ना। हेलो हाँ बेटा इसी बोले से बात करें। हेलो हाँ बेटा बोले, अच्छा लग रहा है मुझे। अंकल हाइट मेरी भी अल्लाह का शुक्र है 6'1" हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, एजुकेशन भी मेरी BIM है, ऐसी बात नहीं है। देखिए कितना कूल लग रहा है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है इसका। हाँ इसका ड्रेस कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ ना हाँ बेटा बोलो बोलो एहसन। हेलो अंकल। जी जी बेटा बोलो। जी अंकल मैंने कहा हाइट मेरी भी अच्छी है, सीरियस बात कर लें थोड़ी बेटा। अरे अंकल सही है बेटा, आप किस तरह बात कर रहे हो? अच्छा मुझे बताओ आपका काम क्या है, कारोबार क्या है?
अंकल हमारा काम जो है वो एक्सपोर्ट का काम है हमारा। एक्सपोर्ट क्या? हम लोग प्लास्टिक एक्सपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक करते हैं, प्लास्टिक खुद बनाते हैं प्लास्टिक और वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड बेटा होल्ड करोगे? ढक्कन होते हैं ढक्कन अंकल, ढक्कन होते हैं ढक्कन एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। नहीं बेटा बस ये मैं दूसरा हुमायूं सही लग बेटा हुमायूं सही लग हुमायूं सही लग रहा है मैं। आप एक काम करो, आपसे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह का शुक्र है हुमायूं आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ हुमायूं आपको अच्छा लगा। एक बंदा यकीन मानो आपके घर में शादी करने से अच्छा है बंदा खरीदे दो दर्जन। बाबा रहने दे, हमें नहीं करनी यहाँ पे शादी। यार एहसन मेरी बात सुनो, चुना नहीं है आप तो हेलो डेस्परेट है शादी करने के लिए, मुझे इसलिए आवाज बनाना पड़ेगा, ये बहुत मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। एहसन जहांगीर ने नंबर दिया था तुम्हारा, उसने बता दिया था तुम्हारे आजकल हालात क्या चल रहे हैं, उसने मैं कहा था कि तुम्हारा कटाकट बना दो, तो मैं कटाकट शो से जैन बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, हां तो अल्लाह करे यार तुम्हारी शादी हो जाए, हमारी तो दुआएं हैं। और पिंकी से तो बिल्कुल ना हो, ये मेरी बददुआ है आपको। क्या बददुआ दे रही है? पिंकी से तो कभी ना हो जिंदगी में, मेरा नाम आप चाहे तो भी आपकी शादी ना हो पिंकी से, खुदा की कसम आप चाहे और फिर भी ना हो। मैं तो बोलता हूँ पिंकी से, पिंकी अब आप चाहेंगे पिंकी से आपकी शादी हो, ब्लू हो रेड हो, कलर से शादी कर रहा हूँ पिंकी कलर भाई लड़की चाहिए कलर थोड़ी चाहिए। ओके भाई ऐसा ना रख रहा हो यार भाई, तो भाई रख अल्लाह पीस ऐसा भाई दुगत मार यार बहुत ज्यादा जहांगीर क्या नंबर दिया है भाई, तोबा तोबा इसकी शादी बन गया इसकी तो इसकी शादी होगी। मुझे लगता है पता है बीच में समझ गया था कि इसके साथ कोई खेल रहा है। हाँ। जब इसने बीच में शुरू किया ना गेम तो मुझे आइडिया हो गया था कि बन नहीं रहा ये हमें बना रहा था। खैर लेकिन था बंदा मजे का, था बंदा मजे का। अच्छा भाई तुम दोनों में से किसको गाने का शौक, कोई रैप करने का शौक, कोई डांस का शौक, किसी चीज का शौक है? टिकटॉक पे क्या करते हो तुम? स्लोमो वॉक बनती है, लिपसिंग होती है, कंटेंट होते हैं। हां स्लोमो एक्टिंग कमर हो जाती है, एक्टिंग एक्टिंग करते हो? एक्टिंग हां। ओहो अच्छा, मैं अगर कोई डायलॉग लगाऊं तो अभी एक्ट करोगे उस पे? अगले वाला डायलॉग आता हो मेरे को नहीं आता हो क्या, मतलब मशहूर डायलॉग लगाऊंगा कोई मशहूर डायलॉग अभी लगाते हैं, मशहूर डायलॉग लगाएंगे उसके ऊपर ये एक्ट करेगा। डन हो गया। तो चट दा सिर्फ ना सुने आता क्लाकली दे क्या नहीं देखा क्लार्क, उसका गुस्सा नहीं देखा तूने, सिर्फ नाम सुना जट गुस्सा नहीं देखा। ओके वन नहीं आती ना इसको। 2 3 तो जट दा सिर्फ ना सुने आता क्लार्क नहीं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज तुम करोगी अब, तुम्हारा कैमरा ये वाला, ये वाला। हां 1 2 3 तो जट दा सिर्फ ना सुने आता क्लॉक नहीं देखा। सही है, ये लगेगा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, गुड गुड यार बहुत आला। खवातीनों के साथ ही हम जाएंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ, यानी कि तशहीरी वक्फे के जाने वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो हमारा आउटडोर सेगमेंट क्या होगा, उसमें आज का टिकट में क्या होने वाला, यहाँ से क्या क्या इंस्ट्रक्शन जाएंगी और कौन जीतेगा 10,000 रुपए कैश, ये पता चलेगा आपको ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बता दूं कि इस दिए गए नंबर पर अपनी एंट्रीज भेजते रहे हमें, मजीद एंट्रीज और एंट्रीज के लिए रिसेंट एक्टिविटी जरूर बताएं, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बोल बीट्स को फॉलो करें, बोल बीट्स के मजीद गाने आने वाले हैं, रैप स्टार रैपर आने वाला है, ये सब चीज़ें इश्तिहार जो है ना मैं खुद भी चलाता हूँ यहाँ पर बैठ के, ये बहुत जरूरी है कंपनी की मशहूरी के लिए यहाँ मैं बैठा हूँ। खैर जी ज्यादा कमर्शियल ब्रेक की तरफ वापस आएंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कराकर शो ऑन बोल एंटरटेनमेंट, पाकिस्तान का नंबर वन एंटरटेनमेंट चैनल। साथ दीजिएगा वेलकम बैक टू कड़ाकट शो, खवातीनों के साथ पाकिस्तान की नंबर वन एंटरटेनमेंट स्क्रीन यानी कि बोल एंटरटेनमेंट पे आपसे मैं जुड़ा हूं और जुड़ा रहूंगा अगले 5 मिनट तकरीबन मजीद, क्योंकि अब वक्त खत्म हो चुका है इस शो का और जाने से पहले ये हो नहीं सकता कि मैं ये कड़ाकट का प्रैंक ना करूं जो आउटडोर हमें करना है। और आउटडोर के लिए मैंने आपको याद हो तो लास्ट वीक कहा था कि आप में से अगर कोई चाहता है कि इस सेगमेंट का हिस्सा बने तो एंट्रीज भेजें, तो हमारे पर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हमें आना है
हमें हिस्सा बनना है, हमें 10,000 रुपये जीतने। तो फाइनली हमें एक साहब मिले हैं जिनका नाम है हादी। उनको हमने प्रॉपरली चीज़ समझा दी कि इस वक्त कैफे में हमारे गेम शो के पार्टिसिपेंट तायरान और साथ साथ शहरोज बैठे हैं, और आपने जाके तायरान के साथ ये पूरा प्रैंक करना है। और हादी क्योंकि खुद भी बहुत बड़े फ़ैन हैं तायरान के, तो वो चाह रहा था कि मैं इनके साथ प्रैंक करूं। तो इस वक्त हमारी टीम ने इंस्टॉल कर दिया है ब्लूटूथ हादी के कान पे, और अगर देखते हैं कि क्या हादी 10,000 रुपये जीत सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए 10,000 रुपये की इतनी अहमियत नहीं है जितना वो इस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था। जिस तरीके से उसने एंट्रीज भेजी और हमारी टीम ने उसको बुला लिया कि आप आ जाओ और बोल के अंदर ये पूरा प्लांटेड हम आपको बता के देंगे, और आपने इस शख्स के साथ पूरा ये प्रैंक करना है। तो फाइनली इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में हमें नज़र आ रहा है, कैफ़े में कैमरे लग चुके हैं, कैफ़े में इस वक्त क्या क्या होगा वो हमें नज़र आता रहेगा, और हम यहाँ से जो बोलेंगे वो उसके ब्लूटूथ लगा हुआ है वो सुन रहा होगा। मंगवाते हैं सगा रखें। अरे तारेन भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप टिकटॉक बनाते हो ना? जी, थैंक यू सो मच सर, मैं आपको फॉलो करता हूँ सर। सर आप यहीं बैठे हैं, आप खाना खाएं मेरे साथ? नहीं सर, आप खाएं, मैं एक मिनट में कहाँ जा रहे हैं सर? आ रहा हूँ बैठिए। यार फैन तेरे भाई के हर जगह आ जाते हैं, रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता मैं सर। अरे नहीं नहीं आप पियो। अरे नहीं सर, आप ये पियेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं यार थैंक यू सर, आप ये पियेंगे मुझे बाकी बहुत अच्छा लगेगा। कोई बात ही नहीं, पीने प्लीज मेरी तरफ से। चले आप स्पेशली इतना कह रहे हैं तो मैं रख ले रहा हूँ, थैंक यू सो मच यार। सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन। क्या नाम है आपका सर? हादी नाम है। हादी ने नाम भी बता दिया। आदमी है यार। सर मैं क्लोजिंग टाइम है भाई, तेरे भाई के चेहरे पे ये रेस्टोरेंट खुला हुआ अभी तक। सर सर मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा सर ये खाएंगे आप। अरे नहीं नहीं अरे भाई रख ले प्लीज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप खाना खा रहे हैं, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, आप ये रख ले सर प्लीज, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा यार, ऐसे ही रहे, चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज़ यार। हादी इसके लिए चिप्स लेके आओ, कितना हादी चिप्स लेके आओ फौरन, आज इसका बिल बढ़ाते हैं, क्या बिल बढ़ाएंगे यार। अरे तारिन भाई यार ये एक और भाई जान, इसकी जरूरत नहीं है, आप ये यार एक स्मॉल बॉटल ले आइएगा सर। भाई मैं भाई आपका यार, जब आपका इधर बैठो, इधर आओ यार, आपका काम आ रहा हूँ ना, आपका काम नहीं है ये भाई, यार क्या अजीब आदमी है ये तो। अरे तारेन भाई, अबे भाई तेरा मसला क्या है भाई? पानी नहीं, ये पानी पियो। अरे तारेन भाई नहीं पीना, पकड़ इसको यार। ओए बोल दिया, निकल यहां से। अरे भाई मैं आपके लिए यार इतना, भाई तारेन भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन भाई, ये लो अच्छा पानी। अरे भाई मैं बोल रहा हूँ पानी पी लो यार पानी। ये क्या कर रहा है यार तू? यार कोई तरीका होता है यार। अरे तारेन भाई सॉरी यार, टिशू लेकर आओ वेटर। अरे मैं लेकर आओ, इधर जा तुम, जाओ यार, कौन हो तुम यार? कौन आदमी है यार? शरोज पानी फेंक के चले गए, अभी नबील के पास जाना था, इस हालत में जाऊंगा? अजीब आदमी है यार। नहीं खाना यार मुझे खाना, कपड़े साफ कर, कपड़े साफ कर। अबे भाई तुम मुंह पे मल दो, मुंह पे मल दो उसकी कपड़ा। तेरे को बोल दिया मैं, जा यहां से, इसको लेके जा यार। यार अरे तारेन भाई ये गीला हो रहा है आप, तेरे को मेरा नाम लेना आता नहीं है, क्यों मेरे नाम की रेड लगा रहा है? तायरान नाम है, तायरान हाथ का दूर है। अच्छा इसका नाम मुझे भी लेना नहीं आ रहा, मुझे भी तायवान लग रहा है, तायवान। He's a really crazy fan यार, seriously। तारेन भाई यार फिर आ गया। तारेन भाई आखिरी बार मना मत करना बस यार, तू चला यार भाई। अच्छा बिस्किट ले आया तू? हां फिर से बहुत पक्का है। प्लीज यार इसको संभाल यार, यार भाई प्लीज प्लीज यार, भाई से बोलो, भाई से बोलो यार, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, प्लीज यार प्लीज प्लीज प्लीज, आखिरी छोड़ो उसको, फैन होना मेरा, फैन होना, यहाँ से चले जाओ अभी। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई? देखो लोग हो रहे हैं यहाँ से, चले यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज ये आखिरी बार रख लो प्लीज प्लीज यार, चले जाओ आखिरी बार, नहीं नहीं चाहिए प्लीज यार, प्लीज यार भाई आप बताओ यार, समझाओ यार, क्या बोलो, आखिरी बार नहीं आना भाई, अब नहीं आऊंगा लास्ट, आप प्रॉमिस? हां अब नहीं आओगे प्रॉमिस? हां भाई अगर देखो लास्ट वार्निंग दे, हां हां लास्ट वार्निंग है मेरी तरफ से, हां थैंक यू, थैंक यू भाई, जा यार। तेरी वजह से ये चीजें रख रहा हूं, बिल लेके आ जाओ, अब तुमने जो चीजें खिलाई है ना
अभी काम करो, बिल लेके आओ, बोलो 1040 रुपए का बिल हो गया आपका। लोग देख रहे हैं, लोग किस नजर से देख रहे हैं, वीडियोस बन रही है वहां पे यार। सीरियसली यार, तो वही क्या था टेबल पे, हाँ तो सर आपके हो गए 1040 रुपये बिल। पहचाना मुझे मोनो भाई। ये हैं आपकी जो आपने खाई है यहाँ पर, मंगवाई है टेबल पे, तो ये यहाँ पर ये बिल, ये बिल आपका भाई। दिमाग ठीक है तेरा? ये आपका बिल, पकड़ इसको। किस चीज का बिल? सर ये जो चीजें आपने, अबे क्या हो गया इसको, भाई पागल हो गया। सर आपने ये जो चीजें मंगवाई है इसका बिल होता है सर, आपने ऐसे तरीके से आप बात नहीं कर सकते। ये आपका बिल है, ये चीजें हैं आपके टेबल पे। शेरू इसको समझा यार, ये थे तुझे पता है कौन हूँ मैं, तू जानता हूँ कौन मैं, इनवाइटेड हूँ इधर। सर मैं आपको नहीं जानता। सर बिल लाते मार रहा है यार, आप अबे इसको लेके जा यार, भाई जा यार, आप ऐसे मार नहीं सकते सर। सर मैनेजर से पूछेंगे कौन हूँ मैं। सर तू इधर हट यार, तू छोड़ मुझे यार, सिक्योरिटी देना पड़ेगा सर इसका। भाई किस तरीके से बात कर रहा हूँ, देख मैं तेरे तरीके से। देखिए आप हाथ नहीं लगा सकते, तूने हाथ तेरा पकड़ा, हाथ छोड़ यार, देखो बहुत अबे रुक जा भाई, तरीके से बात कर तू जान। एक यार इसको क्या है सर, आप इसको इस तरीके से नहीं फेंक सकते सर, आप बिल देंगे। आपने यहां खाया सर, तो तूने पहले क्यों इनवाइटेड हूं मैं इधर? सर आपको इनवाइट किसने दिया, आपने ये चीज ऑर्डर की है, आपकी टेबल का सामान पड़ा हुआ है, आपको इसका बिल देना पड़ेगा। देखो तरीके से बोल रहे हैं, दूर चलेगा बाद में बात करेंगे। मैं भी आपको तरीके से बोल रहा हूँ, आप इसका बिल दे दें। अबे तू है कौन? रिवील कर दो, रिवील कर दो, रिवील कर दो, बोलो कटाकट शो से कनेक्टेड हूँ। ज़ैन बात कर, ज़ैन इस वक्त देख रहा है आपको, ज़्यादा मार पड़ेगी बता दो। बोल दे वो कैमरा है, कहाँ है कैमरा? हो रहा सर, हो रहा कैमरा यार, बहुत आया, बहुत यारा। खैर जी यहीं पे आज का शो खत्म होता है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शेख फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, प्लेजर, दोबारा जरूर आइएगा आप दोनों, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। आपको कैसा लगा? जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे तो वो रहा आपका कैमरा, बहुत मजा आया मैं जैन भाई के साथ, आप लोग भी आएगा जैन भाई के साथ तफरियां करिएगा और इस तरह शुगर मेरा लगा ही रखें। थैंक यू सो मच सहार, थैंक यू सो मच हमजा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और दोबारा जरूर मुलाकात होगी इसी शो में, कटाकट बनाएंगे सबका। और खवातीन हज़रात आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस फीडबैक का, इस प्यार का, बोल बीट्स का और हमारे बोल के तमाम शोज का, आपका बेइंतहा शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की ये मोहब्बत ही है जो हम लोग यहाँ पे बैक टू बैक नई नई चीज़ें करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें और स्क्रीन के साथ आप हमारे जुड़े रहें। ये सिर्फ स्क्रीन का रिश्ता नहीं, ये दिल का रिश्ता है। आज की महफिल, आज का शो, आज की बैठक यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोगों का फीडबैक मिल सकेगा थ्रू फेसबुक, फेसबुक के थ्रू यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के मजीद सवाब हासिल करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ZenLife पे, @BolEntertainment पे, और ये यहाँ पे दिए गए हैं नीचे आपको हैंडल्स नजर आएंगे, और इस दिए गए नंबर पे अगर आप चाहते हैं कि किसी आपके जानने वाले का कटाकट बने तो वो भी हमें बताएं, हम हैं ना। और अगर किसी हमारे आउटडोर सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। आज का शो यहीं पर ख़त्म होता है इंशाल्लाह, जिंदगी अगर तो मुलाकात रहेगी अगले हफ्ते शाम 6 बजे। ज़ैन इज़ फाइनली सन ऑफ हॉट बॉक्स ऑफ बोल एंटरटेनमेंट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, and finally iman allah ga chalega tabega pakega banega tera gadak gadak banega tera gadak।